नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली हिंदी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के क्रिया का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। तो जिसने भी पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हो, प्लीज़ वीडियोज़ देखिए और अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीके से करिए। चलते हैं क्वेश्चंस की सीरीज पे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें सिलेक्शन मेंटर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की सीरीज पे, जिसमें क्रिया का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी क्रिया का फर्स्ट पार्ट की वीडियोज़ नहीं देखे हों, प्ले लिस्ट पर जाके क्रिया का फर्स्ट पार्ट चेक करिए। और आज के वीडियो में हम क्रिया का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस की सीरीज। क्रिया के फर्स्ट पार्ट में एक बार फिर से जरा रिकैप कर लेते हैं कि क्या होती है क्रिया। तो किसी भी कार्य को करने या किसी भी कार्य को करना क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। मुख्य रूप से जब भी आपसे क्रिया के भेद पूछे जाते हैं कि ये बताइए मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, जिसमें एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। पहला भेद सकर्मक और दूसरा अकर्मक होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। लेकिन यहीं पर जब आपसे मुख्य रूप के अलावा अन्य भेद पूछे जाएं कि क्रिया के अन्य भेद कितने होते हैं, तो अन्य छह भेद होते हैं। क्रिया के अन्य भेद पूछे जाएं तो छह भेद होते हैं, जिसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, छह भेद में संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इन सभी के बारे में हम डिटेल वाइज पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हों, प्लीज़ चेक करिए और टॉपिक्स को कवर करिए। जिसमें आज के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है। तो पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, हम फिर से देख लेते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आती है, क्या होती हैं पूर्वकालिक क्रियाएँ, कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आती है, क्रियाओं के पहले कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आती है, क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया, कोई अन्य क्रिया आती है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें राम खेलता है, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, सी वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, और डी राधा ने काम किया। इन चारों ऑप्शंस में, चारों वाक्य में आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब भी क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे अब इसमें राम खेलता है, इसमें कोई और क्रिया नहीं है, तो ये सामान्य क्रिया मानी जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया है कि वह खाना खाकर, पहली क्रिया उसने किया कि वह खाना खाया पहली क्रिया, और दूसरी क्रिया वह सो गया। तो जब दो क्रियाओं की बात हो रही है, अर्थात पहली क्रिया हो चुकी है, तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, वह खाना खाकर सो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया का ही एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा है कि सुनाना शब्द में कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। सुनाना शब्द में कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनेगा। मतलब इसमें ये पूछा है कि सुनाना जो है वो ऑलरेडी किसका, सुनाना शब्द आपसे पूछा है कि प्रेरणार्थक क्या होगा। सुनाना आप इसमें प्रेरणार्थक का उदाहरण बनाना है कि सुनाना शब्द का यदि हम प्रेरणार्थक बना दें तो क्या हो जाता है। अब प्रेरणार्थक करने से पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेरणार्थक जो है वो क्रिया के अन्य भेदों में से एक है। क्रिया के
अन्य भेदों में से एक है, अन्य भेदों में से एक है प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये होता क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो जब भी कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, तो ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर सुनाना मतलब खुद सुनाने की, स्वयं सुनाने की बात हो रही है। लेकिन जब हम स्वयं कहानियाँ ना सुनाएं, कहानियाँ गीत स्वयं ना सुनाकर किसी दूसरे से सुनाने के लिए बोलें, तो उसे सुनवाना बोलते हैं। सुनवाना, ठीक है। तो इसलिए हम किसी दूसरे से सुनाने के लिए बोलेंगे तो सुनवाना। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। जब भी कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे के द्वारा कराया जाए तो ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है कि रमेश पुस्तक पढ़ो निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए आज्ञार्थ, बी संभवार्थ, सी निश्चयार्थ या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ या भाव के अनुसार से हमसे अगर क्रियाएं पूछी जाती हैं कि अर्थ या भाव के अनुसार बताइए कि कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, तो जिसमें आज्ञार्थ, निश्चयार्थ या संभवार्थ तीन तरह की क्रियाएं होती हैं अर्थ या भाव के अनुसार, जिसमें आज्ञार्थ क्या होती हैं, आज्ञार्थ संभवार्थ या फिर निश्चयार्थ। तो जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि आज्ञार्थ की बात हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर आज्ञा सूचक वाक्य होगा, अर्थात ऐसे वाक्य जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, संभवार्थ जहाँ पर किसी भी वाक्य में संभावना की बात की जा रही हो और निश्चयार्थ का अर्थ है कि ऐसे वाक्य जहाँ पर कोई भी वाक्य निश्चित हो वहाँ पर निश्चयार्थ होता है। तो जब भी आपसे अर्थ या भाव के अनुसार क्रिया पूछी जाए तो तीन प्रकार की होती है, आज्ञार्थ, संभवार्थ या निश्चयार्थ। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में रमेश पुस्तक पढ़ो निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, आज्ञार्थ, संभवार्थ और निश्चयार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जल्द से बताइए कौन सा सही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पढ़ो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से बोला है कि किसी दूसरे से करवाने की बात हो रही है। इसमें बोला है कि आज्ञा दी जा रही है कि रमेश पुस्तक पढ़ो कि रामू एक गिलास पानी ले आओ, अर्थात कि कार्य में आज्ञा की बात हो रही है कि काम स्वयं नहीं हो रहा है, अर्थात आज्ञा दी जा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि आज्ञार्थ होगा, संवार्थ होगा या निश्चयार्थ होगा। वाक्य से हमें पता चल रहा है कि दिया गया वाक्य आज्ञार्थ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी कर्म, सी क्रिया या डी संज्ञा। जल्दी से बताइए, आई होप कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप सभी को आंसर आ रहा होगा कि काम करने वाला क्या कहलाता है या काम करने वाले को क्या कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पता चलता है वहाँ पर क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि काम को करने वाले को क्या कहा जाता है, तो काम को करने वाला हमेशा कर्ता कहलाता है जो काम को कर रहा हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि एक कर्म क्रिया क्या कहते हैं, किसे कहते हैं एक कर्म क्रिया
क्रिया कहाँ पर होती है या एक कर्म क्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए जहाँ एक ही क्रिया हो, बी जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, सी जहाँ एक शब्द की क्रिया हो, या डी जहाँ एक ही कर्ता हो। तो उसमें बताना है कि एक कर्म क्रिया कहाँ पर होती है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें दिया है कि जहाँ एक ही क्रिया हो, या फिर जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जहाँ एक ही एक शब्द की क्रिया हो, या फिर जहाँ एक ही कर्ता हो। तो जैसा कि एक कर्मक में नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक अर्थात एक कर्म, एक कर्म। तो ऐसी क्रियाएं जहाँ पर कर्म जो है वो एक हो, अर्थात जहाँ पर कर्म एक हो, तो जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक कर्मक क्रिया क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य में किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। किसमें, जब भी आपसे ये नहीं के क्वेश्चन पूछे जाए तो इस नहीं पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती हैं कि पूछा जाता है नहीं और हम है पे मार्क करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पिताजी उसे पढ़ाते हैं, बी राम नहीं पढ़ता, सी ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, और डी अध्यापक परिश्रम करते हैं। जल्दी से बताइए इसमें कौन सी क्रिया होगी। अब प्रेरणार्थक, फिर से प्रेरणार्थक का शब्द आया है, तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि प्रेरणार्थक जो है वो क्रिया के अन्य भेद का ही एक रूप है। अन्य भेद 6 होते हैं और इन 6 में से एक भेद है जिसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इन ये 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, इसमें बताना है कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिताजी उसे पढ़ाते हैं, अर्थात इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। फिर उसके बाद राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, इसमें किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राम नहीं पढ़ता ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राम नहीं पढ़ता क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने वाली क्रिया क्या कहलाती है। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने वाली क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी सहायक क्रिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है, मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपसे हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो पूछी जाती है, तो ये जो एम होती है यही सहायक क्रिया होती है, अर्थात क्रिया के अर्थ को बताती है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी होगी, तो मुख्य क्रिया में ध्यान रखिए इसमें पूछा है कि मुख्य क्रिया का अर्थ कौन सी बताएगी, तो हाँ इसमें किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया का अर्थ बताने वाली सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया का अर्थ सहायक क्रिया बताती है, मुख्य क्रिया का अर्थ सहायक क्रिया बताती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जिसमें किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के अर्थ को बताने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी, अर्थात ऐसा कौन सा वाक्य है जहां पर कर्म विद्यमान नहीं होगा, कर्म विद्यमान नहीं होगा,
कर्म विद्यमान नहीं होगा, अर्थात कर्म नहीं होगा वहीं पर अकर्मक क्रिया होगी। इसमें और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूं पिसवाता हूं, सी श्याम निबंध लिखता है, डी राम मोहन को रुला रहा है। इसमें किसमें अकर्मक क्रिया होगी, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रोना रुलाना ये सभी अकर्मक क्रिया होती हैं। इसी के साथ ही और भी क्या अकर्मक के उदाहरण होते हैं, हंसना गाना दौड़ना भागना, ये सभी अकर्मक के ही उदाहरण हैं। दौड़ना भागना हंसना गाना रोना सोना ये सभी अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं, अर्थात इन सभी क्रियाओं से भी अगर आपको वाक्य बना के पूछा जा रहा है कि अकर्मक कौन सा है, तो इन सभी ऐसे वाक्य जिसमें ये सब शब्द आए तो वहाँ पर भी अकर्मक क्रिया ही होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम आपके लिए ला पाएँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की सॉल्व कर पाए आप, जिसके लिए प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि अकर्मक शब्द का अर्थ क्या है, अकर्मक शब्द का क्या अर्थ है। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए कर्मवान, बी कर्म रहित, सी कर्मशील या डी कर्म में निरत। कर्म में निरत। अब हम क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब हम इन सकर्मक और अकर्मक को पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमसे इनका मतलब पूछ लिया जाता है कि ये सकर्मक जो है वो है क्या, अर्थात कर्म सहित जो हो वो सकर्मक और कर्म के बिना जो होता है वो अकर्मक। अब आपसे यहीं से आपसे पूछा है कि सकर्मक और अकर्मक में कि अकर्मक शब्द का अर्थ क्या है, तो जो कर्म रहित हो वही अकर्मक कहलाता है, जो कर्म रहित हो कर्मक कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो कर्म रहित शब्द होते हैं वही अकर्मक कहलाते हैं और ऐसे शब्द जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं वहां पर अकर्मक क्रिया मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि खेलना व खिलवाना कैसी क्रिया है, खेलना व खिलवाना कैसी क्रिया है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं कि ए नाम धातु, बी पूर्वकालिक, सी प्रेरणार्थक और डी इनमें से कोई नहीं। खेलना और खिलवाना कैसी क्रिया है, तो जैसा कि हम देखा कि नाम धातु क्रियाएं कैसी होती हैं, पूर्वकालिक कैसी होती हैं, प्रेरणार्थक कैसी होती हैं, तो प्रेरणार्थक वो होती हैं जहां पर कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, प्रेरणार्थक होती हैं। पूर्वकालिक में जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही हो तो जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है, जो पहली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। फिर ए नंबर पे नाम धातु है, जिसमें नाम धातु क्रियाएं वो होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जैसे बात से बतियाना हाथ से हथियाना, ये सभी नाम धातु के ही उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पे खेलना से खिलवाना, खेलना से खिलवाना ये भी नाम धातु का ही एक उदाहरण है, नाम धातु का ही एक उदाहरण है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नाम धातु क्रिया दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, क्रिया मतलब क्रिया का रूप वर्तमान काल में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए उसने फल खा लिए थे, बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, सी अचानक बिजली चमक उठी और डी कल वे आने वाले थे। इसमें आपको बताना है कि ऐसी वाक्य में ऐसी कौन सी क्रिया है जो अभी वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान काल का ही उदाहरण है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें उसने फल खा लिए थे, अर्थात वर्तमान की बात ना होके भूतकाल की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। अचानक बिजली चमक उठी, इसमें भी भूतकाल की ही बात हो रही है, क्योंकि बिजली चमक उठी है, भूतकाल की बात हो रही है। कल वे आने वाले थे, कल वे आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब
कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, क्रिया वर्तमान काल में अभी हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये क्रिया वर्तमान काल में अभी हो रही है और पूर्ण नहीं हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया होगी, उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए नाम धातु क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया और डी सकर्मक क्रिया। जल्दी से बताइए कि जो उड़ना है वो किस क्रिया का उदाहरण है, उड़ना किस क्रिया का उदाहरण है। तो जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि ऐसी क्रियाएं जिसमें अकर्म विद्यमान ना हो, जिसमें कर्म विद्यमान ना हो, अर्थात रोना, हंसना, सोना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण होती हैं, ये सभी अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण होती हैं, इन सभी में अकर्मक क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, कि 12 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि उड़ना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है। अब इसमें नाम धातु क्या होती हैं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु होती हैं, प्रेरणार्थक में कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, और सकर्मक में जहाँ पर कर्म विद्यमान होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं हो रही है, क्रिया भूतकाल में नहीं हो रही है, अर्थात या तो वो वर्तमान में पूछी जा रही होगी या फिर वो भविष्य में पूछी जा रही होगी। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा है कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, बी उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला होगा, डी उसने पढ़ाई कर ली थी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए से हमें पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा था, इसमें क्रिया भूतकाल में है, उसने पढ़ाई की थी, वो क्रिया भूतकाल में है, उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल में है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है कि वह पढ़ने वाला होगा, इसमें संभावना की बात की जा रही है, संभावना की बात हो रही है, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल होगा लेकिन भूतकाल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है जिसने पूछा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, जिस विकारी शब्द से के प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया, बी संज्ञा, सी सर्वनाम और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये चारों ही विकारी शब्द के ही उदाहरण होते हैं, ये चारों विकारी के ही उदाहरण होते हैं। विकारी के उदाहरण क्यों होते हैं, क्योंकि लिंग इस इन सभी में लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, और ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सके वो विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सभी विकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, अब विकारी तो ये तीनों ही हैं, लेकिन पूछा है कि विकारी शब्द के प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, अर्थात वस्तु की क्रिया के बारे में बताते हैं कि वस्तु कब हो रही है, कार्य जो है वो कब हो रहा है, तो ऐसी जगह पर क्या प्रयोग होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं वहाँ पर क्रिया होती है, वहाँ पर क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया में कौन सी क्रिया होगी, पहुंच गया में कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त की क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी सामान्य क्रिया या डी संयुक्त क्रिया।
यहाँ पर संयुक्त क्रिया टू टाइम्स दी हुई है, आप ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नाम धातु क्रिया कर लीजिए, यहाँ पे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में गया में कौन, पहुँच गया में कौन सी क्रिया होगी। जल्दी से बताइए तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा नंबर सही होगा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए यहाँ पर एक साथ दो क्रियाओं की बात हो रही है कि वह घर पहुँचा और वह घर गया, वह घर पहुँचा और वह घर गया। तो जब भी एक से ज़्यादा क्रियाओं की बात हो रही हो ऐसी जगह पर संयुक्त क्रिया होती है। कोई ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक, सी पूर्वकालिक और डी संयुक्त क्रिया। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी पूर्व क्रिया, पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी किसी पूर्ण क्रिया के पहले कोई अन्य क्रिया आती है वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण सही होगा, अर्थात इसमें से जो उदाहरण दिए हैं वहां पर कौन सा ऐसा उदाहरण है जहां पर अकर्मक का प्रयोग किया गया है, अकर्मक क्रिया देखने को मिल रही है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन ए देखना, बी लिखना, सी पढ़ना या डी नाचना। जल्दी से बताइए कौन सा उदाहरण है जिसमें अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया कि हंसना, रोना, गाना, सोना ये सभी अकर्मक क्रियाओं के ही उदाहरण होते हैं, ये सभी अकर्मक के ही उदाहरण होते हैं, अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं। आपसे पूछा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा सही है, जिसमें लिखना ये एक सकर्मक क्रिया है, देखना ये भी एक सकर्मक क्रिया है क्योंकि हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देख रहे होंगे, पढ़ना किसी किताब या किसी कॉपी को पढ़ रहे होंगे, इसमें जो नाचना कौन सी क्रिया है, तो नाचना भी एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, नाचना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया मानी जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि इसमें नाचना जो है वो अकर्मक क्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, किसमें प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो प्रेरणार्थक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराए, ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हंसाना, बी जगाना, सी लिखवाना या डी भूलना। जल्दी से बताइए इसमें कौन सी क्रिया होगी। जिसमें ये ध्यान रखिए कि प्रेरणार्थक क्रिया में नहीं पूछा है, अर्थात ऐसा ऑप्शन बताना है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं हो। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शंस में हंसना से प्रेरणार्थक हंसाना, जगना से जगाना, लिखना से लिखवाना, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इस ऑप्शन नंबर डी में कि ऑप्शन नंबर डी का कौन सा सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी भूलना ये एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, डी जो है वो एक प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन नंबर ए मैं चला, बी लड़का सो रहा है, सी वह नहा है, डी लड़की कपड़े सिल रही है। इसे बताना है कि कौन सा है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं चलना,
सोना ये सभी अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण होते हैं, लेकिन लड़की कपड़े सिल रही है अर्थात सिलने के लिए उसको कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे वाक्य जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हो रही हो वहीं पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में सकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है कि सीता भोजन करके सो गई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, सीता भोजन करके सो गई, एक वाक्य दिया गया है आपको, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, जिसमें चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यौगिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी नाम धातु क्रिया। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि जब भी एक क्रिया ऑलरेडी डन हो, एक क्रिया पूरी हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी क्रिया की बात हो रही हो, पहले सीता ने भोजन किया, सीता ने भोजन किया और फिर सीता ने भोजन किया और फिर सीता सो गई। तो एक क्रियाएं, एक क्रिया के अलावा दूसरी क्रिया भी हो रही है, तो एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही होती है, ऐसी वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जब आपसे पूछा जाए कि एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो गई हो तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जैसा कि हमने बहुत सारे क्रिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व की और देखा कि कई सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे पिछले पेपर में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज सॉल्व करने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे कि टॉपिक वाइज और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए आप। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसमें ये ऊपर हमारे कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है जिस पे आप कॉल या मैसेज करके हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।